बहुल्य आदिवासी पतालकोट कोड़िया गांव में कुल 160 परिवार निवास करते हैं, जहां पर भारिया विकास अभिकरण के द्वारा रोड का निर्माण 2008 में हो चुका है, जिसका कुल लागत खर्च 4 लाख रुपए है। किंतु सच्चाई तो यह है कि इस गांव में अभी भी रोड का निर्माण हुआ नहीं है, जिसके वजह से 4 गांव के लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर सियाने बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को यदि किसी भी महिला या बीमार वाले व्यक्ति को अर्जेंट के वजह से बाहर लेके जाना होता है, तो इन लोगों को डोली में बिठा करके मेन रोड तक पैदल पैदल लेके जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को तामिया अस्पताल या बाजारहाट पहुँचते हैं। ऐसी ही समस्या और भी 4 गांव की है, जिन लोगों को ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा दादा, यहाँ पे जब कोड़िया गांव में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई बाई डिलीवरी प्लेट में रहती, तो उनको कैसे करते हैं आप? डिलीवरी प्लेट में भी रहती है तो ये जलनी गाड़ी बोलते हैं, वो भी अब इधर गांव तक रोटी ही नहीं है तो यहाँ कैसे आ सकती है वो? उसको भी डिलीवरी वाले को भी उसको भी टांग करके रोड तक ले जाना पड़ता है। अच्छा, इस रोड में अभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? हुआ है, कई डिलीवरी रास्ते में हो गए, फिर वापस लौट के घर आना पड़ा। बीमार हो जाता तो हम आड़ पड़ोस मिल के गाँव वाले से बोलते हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा सीरियस बीमार है तो सहयोग देना पड़ेगा, कर तो 2-4 या 10 जो भी जुड़ मिल के उसको डोली बना के और टांग के सीधे ले जाते हैं छिंदी रोड। अरे कई आवेदन बना बना के ले जा रहे हैं सरपंच लोग, सचिव लोग, दोबारा लौट के नहीं आ रहे हैं। बन जाएगा, कोई काम हो ही नहीं पा रही है। हाँ, कोई काम ही नहीं हो पा रहा, बोल भर रहे हैं। आदमी बीमार होते हैं तो डोली में टंगा के ले जाते हैं 2 किलोमीटर दूर। कई कागज बिगाड़ देते हैं तो हम लोग कहते हैं कागज मत बिगाड़ो, ये रोड आप लोगों से बनती ही नहीं। कलेक्टर को भी दिए और मंत्री लोगों को भी देते हैं रोड के लिए, लेकिन कारण वो पैसा निकलती है तो कहाँ जाती है वो पैसा का, कोई एंकर गति लेते भी नहीं इधर के पतालकोट के आदमी। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए, तभी आदमी को थोड़ा बहुत सहूलियत हो और आम जनता को उस रोड बनने के कारण भलाई हो। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जो रोड की समस्या है वहाँ पे रोड का निर्माण होना चाहिए और लोगों को आने जाने में या बीमार वाले को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूँगा कि आप हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के कलेक्टर श्री महेश चंद्र चौधरी जी का फ़ोन नंबर 071-62-23-02 में बात करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम कोड़िया गांव से मैं राजू परदेती, इंडिया अनहट के लिए।